उत्तर भारत की महाभारत द भारत टाइम्स के साथ। नमस्कार, द भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। इस वक्त हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जनता के मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त जिस विधानसभा में हम मौजूद हैं वो है मेरठ की सरधना विधानसभा। वोटर अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा और संसद में भेजता है तो उसके बाद 5 साल तक वो सिर्फ बैठकर इंतजार करता है। वो सिर्फ इस बात का इंतजार करता है कि हमारा जिताया हुआ जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। संगीत समझे साथ कुछ कराए नहीं क्षेत्र हमारे यहाँ, कोई काम ही नहीं करा, किसी गाँव में कोई हिट नहीं एक नहीं लगा। अतुल प्रधान जी विधायक जो है जो बनने जा रहे हैं अपने बिहार के साथ है, कोई गरीब हो मजदूर हो अमीर हो सब एक समान देखते हैं। पुराना विधायक ने सही काम नहीं किया और अतुल प्रधान जो है हारने के बावजूद भी लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत अपना सबसे मिलजुल के और अपना उनके सुनते हैं काम करते हैं। किसानों का मुद्दा है और बेरोजगार का मुद्दा है, जैसे कि मतलब युवा है उनकी परेशान है, नौकरी नहीं मिलती, उनसे उम्मीद लगाई जा रही कि वे ये काम पूरा करेंगे। ठीक, हाँ जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है? मेरा शाही अब्बास नाम है, मैं कस्बा फलावदा का हूँ, सरधना विधानसभा में। देखिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें एक वोट का अधिकार दिया है ना, ये वोट ऐसी चीज़ है, इसको एक अरबपति हो और एक गरीब आदमी, दोनों की वोट की वैल्यू बराबर है। तो हमने इस बार पूरा मन बना के जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, उस जो इन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खड़ी कर दी है, उस खाई को भरने का काम हम यहाँ सरधना विधानसभा के लोग करेंगे। और यहाँ तमाम लोग, सब जाति के अलग अलग जाति के मुस्लिमों में भी लोग बैठे हैं, हिंदुओं में भी लोग बैठे हैं, सब ने इस बार मन बना रखा है कि गठबंधन को जिताना है और उत्तर प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बनाना है। अतुल प्रधान जो है सबके घर घर आके बेचारे सबके काम आते हैं। आज तक संगीत सोम किसी के सामने, किसी के अगर कोई मर गया उसके धोरे भी नहीं आते, कोई भी काम हो उसको बुलावें जब नहीं आते। इस वजह से हम समाजवादी को ही वोट करेंगे। बीजेपी पार्टी जो है, मतलब जो झांसी विधायक है संगीत सोम साहब, वे कभी आए नहीं इधर, 5 साल हो गए थे, किसी ने देखा नहीं होगा, नाराज है विधायक जी। अतुल प्रधान के बारे में जो चीज़ें मुझे पता चल पा रही हैं वो ये पता चल पा रही हैं कि बिना विधायक रहते हुए उन्होंने समाज की सेवा की है, लोगों की मदद करने वो लोग आए हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग बतौर कैंडिडेट अतुल प्रधान को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम महराज है। आप बताइए क्या करने जा रहे हैं, 5 साल बाद वोट डालेंगे? 5 साल बाद उसको समाजवादी को वोट देंगे। क्या वजह? वजह यह है क्योंकि सरकार ने जो है सारा खा के डाल दिया, सबको बेरोजगार कर दिया, हर आदमी परेशान है इससे। क्या ब्याज ने अलावा एक हाथ में थैला दे दिया, जाओ 5 किलो नाच लिया, और क्या ब्याज नाच लगा हुआ। हम तो अतुल प्रधान को वोट करेंगे क्योंकि तो हमारा कैंडिडेट जो है वो मुस्तकिल हमारे पास रहता है, सारी समस्या सुनता है, गरीब हो अमीर हो सबके पास आ जाना, सबकी हर चीज़ के लिए वो हमारे पास आता है, तो इसलिए हम उसे वोट देंगे। पता है क्या चल रहा है इस वक्त अतुल प्रधान? नहीं, वैसे क्या चल रहा है? अतुल प्रधान तो चल रहा है, वैसे क्या चल रहा है? साइकिल। साइकिल चल रहा है। लेकिन आपने सुना, मैंने जब पूछा कि क्या चल रहा है तो बोला साइकिल चल रही है। मैंने पूछा क्या चल रहा है, अतुल प्रधान चल रहा है। गाड़ी में से उतरते नहीं वे, अब हमारा अतुल प्रधान गाड़ी में से उतरा है, सब कुछ राम टोक के जावे और शिष्य विषय में करके जावे। हाँ जी, ठंड अभी भी जा रही है लगातार। आप नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, युवा हैं, मुझे लगता है अभी आपकी वोटिंग का समय नहीं आया होगा, लेकिन चुनाव की चर्चाएं तो आ गया, वोट बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो नए वोटर हैं, चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, आप पहले वोटर हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे दिमाग में रखे हैं आपने या फिर सिर्फ पार्टियों को ही दिमाग में रखा है, बीजेपी हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई? सर, पहली बात तो ये, संगीत सोम जो है वो ऐसे ही अगर अड्डे पर भी गुजरेगा ना तो शिष्य बंद मिलेगा उसके। अच्छा जी, अतुल प्रधान अगर शिष्य खोल के चलता है, जहाँ भी चलता है, और सब बच्चों और बड़ों से ठीक ठाक रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल तैयारी हुई है, अतुल को दे दो ना। सारे अतुल को ही दोगे? हाँ जी, सब अतुल को देंगे। क्या वजह है? वजह ही है जी, कोई भी दिक्कत हो जाओ, कोई भी समस्या हो जाओ, एक फोन पर अगला यहाँ आवे। अब आवेगा तो समस्या भी निपटेगी और नहीं आने का तो कैसे निपटेगी, ये बताओ। उन्होंने काला धन निकाला था, क्योंकि जी नोटबंदी करने से काला धन निकला है। अब उन्होंने 500 से जो 2000 का नोट करा है उससे कैसे काला धन निकल जाएगा? अगर कोई ब्लैक मनी रखने वाला आदमी है
तो दो दो हजार के नोट इतने से बनेंगे 1,00,000, और वो 500 के भी बंद करके 50 हो गए चलाता तो क्या दिक्कत थी, ब्लैक धन जब वापस आ सकेगा, 2,000 के ना की चला के जवाब है। देखिए आप समझिए, अगर सरकारों को समझ नहीं आ रहा है, उनके सलाहकार उन्हें नहीं बता पा रहे हैं, तो देखिए इस बच्चे ने बताए हैं, नए वोटर ने बताया है कि क्या करना चाहिए। जो हमारे काम आएगा उसके हम साथ हैं, अतुल प्रधान हमारे काम आता है, संगीत सोम को आज तक हम जानते ही नहीं कौन है क्या है, देखा ही नहीं तो उसे क्या वोट दें। अतुल प्रधान मतलब रात को दिन को हर टाइम हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। तो भैया साइकिल के साथ है, साइकिल हमारे वक्त चलाते हैं, गरीब आदमी है, साइकिल हमारे पास है, साइकिल को ही वोट देंगे। और दूसरी बात यह है, इस हुकूमत में इस कदर महंगाई हो चुकी है, जो सिलेंडर 500 रुपए का था आज 1,000 रुपए का, तेल 100 रुपए किलो बिका था वो आज 200 रुपए किलो है। अब ये क्या कर पा रहे हैं, महंगाई के अलावा कुछ किया इन्होंने क्यों जी? अब देखते हैं अखिलेश की सरकार आएगी वो क्या करेगा, अगर उसने भी सही ना काम करा फिर देखा जाएगा बाद में। बिल्कुल ठीक है, देखिए जनता के पास उम्मीदें होती हैं, भरोसा होता है, और उसी उम्मीद और भरोसे के साथ जनता चुनाव में वोट करती है। जैसा बाबूजी ने बताया कि भाई देखते हैं अखिलेश यादव को इस बार वोट करेंगे और अतुल प्रधान को इस बार वोट करेंगे, और नहीं होगा तो फिर बदलाव करेंगे। दरअसल हमारे देश के लोकतंत्र में यही होता रहा है, हर 5 साल बाद जनता उल्लू बनती रही है, कभी इस पार्टी के नाम पर कभी उस पार्टी के नाम पर, हर बार एक नई उम्मीद के साथ एक नए कैंडिडेट को जिताया जाता है, नई पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद 5 साल तक सिर्फ जनता परेशान रहती है, अपने प्रतिनिधि का इंतजार करती है। लेकिन नहीं, ये तो इसने भिखारी बना रखे, काम तो दे नहीं लिया, भीख दे रहा लोगों को, लाइन में लग रहे हैं। आज हम नोटबंदी करी थी, 1,000 की बजाय 2,000 का नोट कर दिया, जितना बड़ा नोट होगा उतना ही करेंसी डाउन होगी, किसी भी देश में देख लो तुम। अतुल प्रधान बेचारा 12 साल से बीच में भी आ रहा है, हर वक्त आ रहा है, यो अब भी नहीं आने का, जाते का इस्तेमाल करा है सरकार ने, कुछ नहीं ये पी ने तो कुछ करा नहीं, अलावा झूठ बोलना, नफरत फैलाना, महंगाई बढ़ाना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसने काम ऐसा किया है। ये हॉस्पिटल बनाया है हमारे यहाँ से, उन्होंने ही पास कराया था हॉस्पिटल ये, और जो आज ये खाली पड़ा है बीजेपी की सरकार की वजह है, जो ये खाली पड़ा है, यहाँ बेड तक नहीं है। हम तो आता ही नहीं, ना मरण में आवे, ना जीरण में आवे, ना दुख में आवे, ना तकलीफ में आवे, ना रस्ते के बारे में आवे, खाओ और पानी पियो, मांगते रहो और खाते रहो, और कुछ नहीं दिया। कैंडिडेट जनता के बीच में सक्रिय है तो उसे इसी तरह का प्यार मिलता है जिस तरीके का प्यार सरधना विधानसभा में अतुल प्रधान को मिल रहा है। तो इस बार सरधना विधानसभा में जहां तक मैं आकलन कर पा रहा हूं, संगीत सोम और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ में नकुल चतुर्वेदी, टीम द भारत टाइम्स, और भारत की महाभारत द भारत टाइम्स के साथ लगातार।